हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान जोधपुर में फीस लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज। जोधपुर के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में बुधवार को छात्रों ने विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का निरंतर रूप से आंदोलन जारी है। बुधवार को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से ली जाई जा रही फीस के विरोध में अपना प्रदर्शन जाहिर किया। वहीं पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने सभी छात्रों को अपने अपने घरों पर जाने के लिए कहा, लेकिन छात्र आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों को पीछे हटाया और छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया और फिर मौके पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान कई छात्रों को लाठियां खानी पड़ी तो कई छात्र सड़क पर गिर गए। इसके बाद पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को हिरासत में ले लिया। फिलहाल छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को उदय मंदिर थाने ले जाया गया और पुलिस द्वारा गाड़ियों को भी सीज किया गया। हम काफी समय से मांग कर रहे हैं कि आप पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालय और कॉलेजेज में ये जो अनैतिक ढंग से लूट मार मचा रखी है, संसाधनों के नाम पर आपने जो लूट मार मचा रखी है पिछले दो सालों से, परीक्षा शुल्क के नाम पे जो परीक्षाएं हुई नहीं तो विद्यार्थी शुल्क किस चीज की दे। हमने इसको लेके पूरे प्रदेश भर के अंदर ज्ञापन दिए, कई बार सरकार को भी चिताया, पर मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार गहरी नींद में सो रही है और उसके लिए युवा शक्ति को आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर गिनती के दिनों के अंदर ये परीक्षा शुल्क और ये जो अनैतिक ढंग से जो लूटमार है ये इन्होंने रिफंड या रीएडजस्ट नहीं किया तो सरकार और प्रशासन तैयार रहे, गिनती के दिनों में पूरा राजस्थान, पूरे राजस्थान के युवा सड़कों पे होंगे और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की रहेगी। जागरूक टीवी के जोधपुर से खास रिपोर्ट।